भाई मैं हूँ मोहम्मद आजम। तो आज हम देखेंगे स्कॉर्पियो एन मिल जाएगी भाई, Z6 वेरिएंट है, वैली फोर मनी अपना वेरिएंट पड़ता ही है भाई। इसमें जो कंपनी से चेंज हो चुका है, एसेसरीज के पार्ट में अलाव वगैरह हमारे डल चुके हैं। बाकी जो Z6 में आता है भाई, हमें फीचर्स में सनरूफ वगैरह मिल जाता है, बट कोई भी अलाव वगैरह रियर कैमरा नहीं आता, सब बात करेंगे। और भाई ये जो वेरियंट हमारा 2023 का पड़ जाता है, अब जो 2024 आ रही है भाई, तो 24 के अंदर कंपनी ने Z6 में जो है फीचर्स अपने कम कर दिए, सब बात करने वाले हैं। जिन भाइयों ने भाई अब तक गाड़ी ले ली है फरवरी 2024 तक भी, तो उनके लिए वैल्यू फॉर मनी निकला है। बट जो अब भाई लेंगे उन्हें थोड़ा बहुत इसमें रोना पड़ सकता है, क्योंकि भाई कंपनी ने फीचर जो है घटा दिए। क्योंकि भाई जब गाड़ी हमारी आई थी, तो जब महिंद्रा ने काफ़ी फीचर्स इसमें दिए थे, बट जैसे जैसे भाई समय बढ़ा, तो अब तो हाइप बन गई गाड़ी, क्योंकि अभी नई गाड़ी आई थी तो फीचर्स भरपूर हमें मिले। इतना वैल्यू फॉर मनी अब नहीं रहा हमारा Z6 जितना पहले हुआ करता था। अब जो है आइड्रोनोक्स वगैरह इसमें घट चुका है, अभी अंदर सब बात करेंगे क्या क्या चीज़ महिंद्रा ने अपनी इसमें से घटा दी है। सबसे पहले भाई की बात कर लेते हैं, कुछ हमें ऐसी की मिल जाती है Z6 की। अब भाई Z8 लो, Z2 लो, कोई भी लो, की हमें सेम मिलती है, बट Z2 में Z4 में हमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं देखने के लिए मिलती। इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग जो है देखने के लिए मिल जाती है। बाकी फ्लिप की आती है, बट की लेस एंट्री नहीं है, हमें की से ही करना है जो भी करना पड़ेगा Z6 के अंदर, वो आपको Z8 में Z8L में मिल जाता है देखने के लिए। सबसे पहले भाई फ्रंट से बात कर लेते हैं, जिसमें आपको लोगो मिलता है, नए लोगो तो आता ही है ना ही, इसमें आपको कैमरा देखने के लिए मिलेगा Z6 के अंदर, वो आपको Z8 में मिलता है। ग्रिल जो रहती है भाई डार्क क्रोम में मिलती है, कोई भी सिल्वर के साथ में हमें नहीं देखने के लिए मिलती। जो लाइट रहती है भाई Z6 में, जो हमारी Z4 की लाइट आती है, सेम ही देखने के लिए मिलती है। अब इसमें जो हमारी LED इंस्टॉल हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे LED जो है डल चुकी है बल्ब। बाकी इंडिकेटर जो रहेगा नॉर्मल से हेलोजन के साथ में आता है, कोई भी सिक्वेंसर वगैरह हमें देखने के लिए नहीं मिलता, उसके लिए हमें ऊपर बढ़ना पड़ेगा Z8 के ऊपर। भाई नीचे अगर बढ़ते हैं फॉग लैंप पे, ये भी हमारे एसेसरीज में डल चुके हैं, जो हमारे 18,000 रुपये की इसकी कॉस्टिंग है। इसमें कोई भी हमारा पार्किंग सेंसर नहीं आएगा, जो भी है कंपनी से ही डल हुआ है, ओरिजिनल OEM कंपनी, कपलर टू कपलर हम इसको कह सकते हैं। बाकी स्क्रिप्ट प्लेट बम्पर पे भाई देखने के लिए Z6 के अंदर मिली जाती है। उसी के साथ में भाई और बढ़ते हैं, तो पूरा कुछ आपको फ्रंट से मैंने प्रोफाइल दिखाई दी है, अब इधर साइड में बढ़ता हूँ भाई। तो सबसे पहले साइड में इसमें चेंजेस हो चुकी है भाई, आप सोचोगे Z6 बोल रहा है बट इसमें अलाव मिल रहा है, तो भाई Z6 के अंदर हमें अलाव देखने के लिए नहीं मिलता। ये हमारे कंपनी से एसेसरीज के पार्ट में OEM वाले डल चुके हैं, जिसकी कॉस्टिंग समथिंग भाई 70,000 की कॉस्टिंग करते हैं हमें महिंद्रा से। अगर आप लेते हो जो इसमें अलाव डला भाई, ये हमारा Z8 वाला डला मैनुअल का, ऑटोमेटिक में जाते हैं तो आपको उसमें एक इंची बढ़ भी जाता है, 18 का हो जाता है। ये हमारा 70 इंच का, आप यहाँ देख सकते हैं 245/65/17 इंच का होता है, उसमें आपको 18 इंच बढ़ जाता है। फिर उसमें ऑटोमेटिक में इसका जो ये सेप, दोनों सेप बी टाइप में, बट उसमें यहाँ पे एक मुड़ जाता है कि हमें सीधा ही देखने नहीं मिलता है। MRF का इसमें टायर तो मिलता ही। बाकी भाई फीचर्स की बात कर लेते हैं, फीचर्स जो मिलते हैं स्कॉर्पियो में, महिंद्रा काफी अच्छे देता है। एक्सेलरेशन कंट्रोल दे देता है भाई, हिल डिसेंट कंट्रोल देता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी दे देता है। फीचर्स से भाई कोई भी कम नहीं हुए, बट जो आपको अब जो 2024 के अंदर मिलेगा, ये आइड्रोनोक्स हमारा खत्म कर दिया गया, उसी के साथ में हमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी भी हमारी कम कर दी गई है। रियर में बढ़ता हूँ भाई, रियर में कैमरा हमारा एसेसरीज में डल चुका है, क्योंकि Z6 के अंदर भाई कैमरा वगैरह हमें देखने के लिए नहीं मिलता। वेरियंट जो हमारा डीजल वाला हमें देखने के लिए मिलता, रियर वाइपर मिल जाता, डिफोगर मिलता, हाई स्पीड माउंट देखने के लिए ऊपर मिल जाता, एंटीना भाई सार्फिनी हमें देखने के लिए मिलता, Z6 लो Z4 हम लो। बाकी रूफ रेल्स आपको ऊपर मिली आती है, रूफ रेल्स का भाई कलर भी इसमें आपको ग्रे के साथ में मिलता है, टॉप वेरियंट में बढ़ते हैं तो हमें सिल्वर ही देखने के लिए बढ़ती हैं। अब चलो अंदर से दिखाता हूँ मैं, अंदर से हमें क्या क्या इसमें देखने के लिए मिलता है Z6 के अंदर। सबसे पहले भाई डोर पर बढ़ता हूँ, तो डोर कुछ आपको ऐसा देखने के लिए इसमें मिल जाता है, डुअल टोन में डोर आता है, बट कोई भी यहाँ पे सॉफ्ट टच का मटेरियल यूज़ नहीं किया गया, उसके लिए आपको जो है Z8 की तरफ भी बढ़ना पड़ता है। इसमें हमारा Z6 में भाई नॉर्मल सा हमें देखने के लिए मिलता ही है। उसी के साथ में चारों विंडो पावर तो मिलती है, लॉक अनलॉक मिल जाता है, साइड में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिल जाते हैं, फोल्डेबल नहीं देखने के लिए मिलेंगे। नॉर्मल सा आपको बटन मिलता है ऐसे ही नकली सा, बट आपको एडजस्टेबल आप कर सकते हैं। ट्विटर यहाँ देखने के लिए हमें मिल जाता है, नीचे स्पीकर मिल जाता है, बोतल होल्डर मिलता है, थोड़ा स्पेस मिल जाता है टिकट होल्डर के लिए। सीट की बात कर लेते हैं भाई, सीट इसमें हाइट के थ्रू आप इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, इसको झुका वगैरह सकते हैं। भाई की भाई ये एसेसरीज में इसके सीट कवर डल चुके हैं, सीट कवर जो है भाई वो हमारे टॉप वेरिएंट Z8L के डल चुके हैं, आप देख सकते हैं स्टेटिंग वगैरह, वो फिर वेंटिलेटेड वाले डले हैं, नहीं तो इसमें वेंटिलेटेड हमारा देखने के लिए नहीं मिलता। फुट स्टेप जो आता है भाई वो कंपनी से हमें देखने के लिए मिल जाता है Z6 के अंदर। अब भाई Z6 में जो वैल्यू फॉर मनी रखती है भाई, वो चीज़ हमारी ये सनरूफ मिल जाता है। अगर आप Z8 भी लोगे तो भी उसमें आपको सनरूफ इतना ही मिलता है, कोई भी पैनोरमिक तो आता नहीं है, बट भाई सनरूफ है, चलो ठीक है, इसमें आराम से बच्चे वगैरह बाहर निकल सकते हैं, वो भी खड़ी पे चलती भी है, आप कोशिश ना करें कि जैसे भाई लगाता हूँ कि लेस एंट्री तो हमें देखने के लिए नहीं मिलती, नॉर्मल सी फ्लिप की देखने के लिए मिली जाती है। जो भाई मीटर देखने के लिए मिलेगा हमें कुछ ऐसा इसमें देखने के लिए मिल जाता है, 220 स्पीड 7000 इसका RPM मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया डीजल वेरियंट है हमारा, जो भी इसके कंट्रोल्स हमें देखने भाई वो हमें स्टेयरिंग पे इधर देखने के लिए मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल यहाँ देखने के लिए इसमें मिली जाते हैं। TPMS में जैसे बढ़ते हैं भाई, फीचर से पूरी भरपूर गाड़ी हमें देखने के लिए मिलती है,
और भी अगर इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, ड्राइव इन्फो मिल जाता है, अलर्ट मिल जाता है, सेटिंग मिल जाता है, नेविगेशन वगैरह। अब जो भाई जो हमारा Z6 आएगा तो इसमें जो मिलता है हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने लिए मिल जाता है, यानी पूरी डिस्प्ले आती है, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब जो Z6 में कंपनी करेगी तो हमारा जो MID आता है भाई, वो छोटा वाला डिस्प्ले जो हमारा Z4 के अंदर मिलता है वही हमें इसमें देखने लिए मिलेगा। Z4 और Z2 में आता है, वही हमें अब Z6 में देखने लिए मिल जाएगा। तो इसलिए जिन भाइयों ने अभी ले ली तो भाई ठीक है, बाकी अवान के फीचर जो घट चुके हैं। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं लोगों तो हमें महिंद्रा का मिलता है। एयरबैग की बात करूँ सिर्फ भाई दो ही मिलते हैं, ड्राइवर साइड, गो पैसेंजर साइड, कोई भी पिलर पर आपको एयरबैग नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं नॉर्मल सा हमें यहाँ ऐसा नकली सा देखने नहीं मिलता, टॉप एरियड में एयरबैग भी मिल जाता है। सनवाइजर पर भाई बात करूँ इधर तो कुछ नहीं आता, इधर जो रहता है हमारा इधर भी कुछ नहीं है, मिरर वगैरह इसमें नहीं आएगा, वो भी आप बढ़ जाओ Z8 की तरफ। सनग्लास होल्डर जरूर से मिल जाता है यहाँ आपको देखने लिए। रूप में जो भाई लाइट मिलती है आपको व्हाइट LED के सेटअप मिल जाता है, ये अच्छी चीज़ है, व्हाइट LED जो महिंद्रा यहाँ निकाल के देता है। सनरूफ जो मिलता है भाई पैनोरोमिक नहीं है, मैंने आपको बताई दिया, नॉर्मल से मिलता है, ना ही यहाँ कोई स्पीकर्स वगैरह में देखने लिए मिलते, बट आपको 6 स्पीकर का सेट मिल जाता है, दो डोर पर मिल जाते हैं, दो आपको ट्विटर मिल जाते हैं, ना ही कोई आपको सब ऊपर यहाँ देखने के लिए मिलता। बाकी IRVM जो रहेगा भाई ऑटो के साथ में मिल जाता है आपको नॉर्मल सा, यहाँ कोई भी ऑटोमेटिक वाइपर्स तो हमें देखने के लिए इसमें नहीं मिलते। बाकी अगर म्यूजिक सिस्टम की ओर बढ़ते हैं भाई तो आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप वायरलेसली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सेटिंग में बढ़ने के बाद पूरा वायरलेस मिल जाता है, फीचर भाई ठीक है, समथिंग मिलता है हमें 10 इंच का डिस्प्ले मिल जाती है महिंद्रा की तरफ से। बाकी डुअल नॉब वाला इसमें आपको स्टूडियो यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है Z6 के अंदर। भाई फीचर देखो, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जा रहा है, ट्रैक्शन मिल जा रहा है, 1000 लाइट आप कर सकते हैं, इंजन स्टार्ट मिल जाता है, SOS का फीचर यहाँ मिल जाता है, ड्राइव मोड आपको मिल जाते हैं, जिप जैप करके आता है इसमें। बाकी मैनुअल ट्रांसमिशन है, 6 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आता है, रिवर्स लगा के 7 गियर मिलते हैं। भाई यहाँ भी कोई भी सॉफ्ट टच का मटेरियल इसमें यूज नहीं किया गया है, नॉर्मल सा हमें इतना बड़ा आर्मरेस्ट कुछ इसमें देखने नहीं मिलता है, 2 कप होल्डर के साथ में आता ही है। डैशबोर्ड पे जो आता है भाई देखो Z6 है तो एक गड्ढा टाइप में आता है, बट यहीं पर अगर हमारा Z8 होता तो उसमें आपको जाली मिल जाती सोनी की बैजिंग के साथ, मगर आप इसको आफ्टर मार्केट लगवाते हैं तो समथिंग भाई वो जाली करती है 11,000 की कॉस्ट। बताओ महिंद्रा से कोई बेनिफिट है इस चीज को लेने में, 11,000 की कॉस्टिंग में जाली मिलती है। जो भाई इसमें ग्लब बॉक्स हमें देखने नहीं मिलता, इतना बड़ा ग्लब बॉक्स मिल जाता है, कोल्ड ग्लब बॉक्स Z6 के अंदर नहीं आता, बट इसमें हिडन स्पेस भी हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत अंदर को मिल जाता है। सेकंड डोर में ले चलता हूँ, सेकंड डोर में क्या मिलता है उसकी के साथ में आपको इंजन भी मैं आगे चल के दिखाऊंगा हमें कितना इसमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि भाई जो इंजन है वही चीज़ जान है महिंद्रा की। सेकंड रो में चलते हैं भाई तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सेकंड रो में भाई यहाँ भी कोई सॉफ्ट टच हमें Z6 के अंदर नहीं मिलता, वो हमें Z8 के अंदर ही मिल जाता है देखने लिए। बाकी इसमें आपको लुमिनेट के साथ में मिलता है बटन जो होता है पावर विंडो का, सब नॉर्मल सा हमें हार्ड प्लास्टिक मिलता है, सॉफ्ट टच कहीं से कहीं तक नहीं है। स्पीकर्स की जगह मिलती है, स्पीकर भी मिल जाता है, बाकी बोतल होल्डर मिलता है थोड़ा सा आप यहाँ रख सकते हैं कुछ भी। बाकी यहाँ पे फूड स्टैप आपको चढ़ने के लिए मिल जाता है। रियर में AC वेंट आ जाते हैं, टाइप सी का पोर्ट हमें यहाँ देखने के लिए जरूर से मिल जाता है, आप इसकी फैन की स्पीड कम ज़्यादा जो भी करनी हो वो कर सकते हैं। 60-40 भाई इसमें सीट आती है, और तो और सेकंड रो में इसमें आपको मिल जाता है आर्म रेस्ट भी, देख सकते हैं आर्म रेस्ट इसमें सेकंड रो में हमें यहाँ जरूर से देखने लिए मिल जाता है, 2 कप होल्डर के साथ में आता ही है। एडजस्टेबल हेड रेस्ट आते हैं यहाँ देखने लिए। रूफ में यहाँ भी बात करूँ भाई तो आपको व्हाइट LED का सेटअप देखने लिए मिलता है, पीछे आपको चल के दिखाता हूँ थर्ड रो में, क्योंकि 7 सीटर एक बिग साइज बिग डैडी SUV के अंदर महिंद्रा इसको निकाल कर देता ही है अपनी। पीछे जाने के लिए भाई करना कुछ नहीं है, बस इसको आपको उठाना है, सीट हमारी जो फोल्ड हो जाती है और आप पीछे जा सकते हैं। अब भाई जैसे थर्ड रो में चलते हैं तो थर्ड रो में स्पेस दिखाएं आपको, तो जैसे 7 सीटर गाड़ी तो है, स्पेस भाई थर्ड रो में थोड़ा जरूर से कम मिल जाता है देखने लिए, बट यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट कंपनी दे देती है तो इस हिसाब से भाई काफी कम मिलता है, आराम से बच्चे ही बैठ सकते हैं, कोई ज्यादा लंबा आदमी इसमें नहीं बैठ पाएगा यहाँ पे ज्यादा लंबी जर्नी में, देख सकते हैं लेग रूम बहुत कम इसमें मिल जाता है देखने लिए। बाकी हेड रूम की बात करें तो वो तो है ही, खैर देखो अड़ा है सिर, कुछ कहोगे चले जाते हैं भाई शर्मा के पीछे चलता हूँ बूट में क्या डर रहते हो। बूट स्पेस तो खैर 7 सीटर तो हमें नहीं देखने लिए मिलता, बहुत छोटा सा मिल जाता है, स्पेस के पाने वगैरह मिल जाते हैं, जो भी जैक वगैरह हमें चेंज करना हो, स्पेयर टायर वगैरह। स्पेयर टायर की बात करें भाई नीचे देखने नहीं मिलता, ये स्टील रिम के साथ में आता है, और भी आपको स्टील रिम मिलते हैं। प्रोफाइल की बात करें तो 17 इंच का ही मिलता है, कोई भी यहाँ पर कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है महिंद्रा की तरफ से। बाकी अगर रियर से बात करें भाई प्रोफाइल की, तो आप रियर लाइट में चेंजेस देखो तो भाई Z6 में Z8 में ज़्यादा चेंजेस लाइट में हमें देखने नहीं है यहाँ नहीं मिलती, नॉर्मल सी हमें लाइट मिली जाती है, रियर वाइपर वगैरह डिफोगर तो सब आती है, नीचे स्पोर्टी स्क्रिप्ट प्लेट भी देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे मेन चीज़ है वो हमें यही देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है अपना, तो इंजन ही निकल जाता है हमारा, MHOG इंजन आ जाता है, 2.2 लीटर का मिलता ही है। बाकी देख सकते हैं 370 Nm का टोर निकाल के देता है हमारा, महिंद्रा की जो मेन पावरफुल इंजन आता है भाई वो यही मिलता है MHOG, जो भागने में मजा आता है भाई 7000 RPM के साथ में तो आता ही है देखने के लिए। बाकी प्रोफाइल पूरी आपको कुछ ये मिली जाती है, तो कुछ यही था भाई इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करके आना, चैनल सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच।